अस्सलाम वालेकुम पीपल, आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसी चीज़ें जिसके वजह से आपका रोज़ा टूट सकता है, या फिर ऐसी चीज़ें जिसका हम लोग को डाउट है कि क्या रोज़ा टूटे गया या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, स्मेलिंग और अप्लाइंग लिक्विड बेस्ड परफ्यूम्स या इत्र जो भी आप लगाते हो, ये आपका रोज़ा नहीं तोड़ता एज लॉन्ग एज यू डोंट इनटेक इट। ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ और नोज डज नॉट ब्रेक योर फास्ट, क्योंकि बस खून निकला है और इंशाल्लाह रोज़ा नहीं टूटता उसके वजह से। बट स्वॉलिंग ब्लड शुड बी अवॉइडेड, निगलो मत वो खून को। यूजिंग एन इनहेलर डज नॉट ब्रेक योर फास्ट बिकॉज इट्स समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड इंशाल्लाह अल्लाह आपका रोज़ा नहीं तोड़ेंगे। रिमूविंग अ टूथ, दांत निकालना एक डेंटिस्ट के पास जाने, इट ऑल्सो डज नॉट ब्रेक योर फास्ट, डज नॉट। अंडरगोइंग अ ब्लड टेस्ट आपका हो रहा है, ये भी आपका रोज़ा नहीं तोड़ता। नेक्स्ट हो गया नोज ड्रॉप्स, इट डज़ नॉट ब्रेक योर फास्ट अनलेस एंड अनटिल आप इतना ज़्यादा डाल रहे हो कि आपको उसका टेस्ट हो रहा है, महसूस हो रहा है। सो नो, 2-3 ड्रॉप्स हार्डली, आई थिंक इंशाल्लाह अल्लाह आपका रोज़ा कायम रखेंगे। नोज ब्लीड्स, इट डज़ नॉट ब्रेक द फास्ट अगर अनलेस एंड अनटिल वो खून का कारण इंटरनली है, तो इट डज़ नॉट ब्रेक योर फास्ट। अगर गर्मी से हुआ है तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। टेस्टिंग फूड डज़ नॉट ब्रेक द फास्ट, इट डज़ नॉट, क्योंकि जो इंसान बना रहा है अगर उसको टेस्ट करना है तो अगर वो थोड़ा सा लेकर ऐसा टेस्ट करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह उसका रोज़ा कायम रखेंगे। मास्टरबेशन ऑफकोर्स इट डज़ ब्रेक द फास्ट बिकॉज इट ऑल रिलेटेड टू नॉट लोअरिंग योर गेज एंड देन शर्मगा को टच करना एंड ऑल दोज थिंग्स, इट डज ब्रेक योर फास्ट। लाइंग, स्वेयरिंग और यूजिंग बैड लैंग्वेज डज नॉट ब्रेक द फास्ट, क्योंकि होता नहीं है ऐसे रोज़ा नहीं टूटता लिखा हुआ है, बट दैट डजेंट मीन दैट यू डू इट, डोंट डू इट। यू नीड इट्स अ मंथ व्हेन यू नीड टू गेन मैक्सिमम रिवॉर्ड, ऐसे पाकीज़े महीने में जहाँ जब कुरान ज़मीन पर आई है आप गाली दे रहे हो, ए बी पी पी। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, इट डज़ ब्रेक योर फास्ट ऑफकोर्स फॉर द ऑब्वियस रीजंस। यूजिंग टूथपेस्ट और माउथ वॉश, इट डज़ नॉट ब्रेक द फास्ट एज लॉन्ग एज यू डोंट स्वॉलो इट, बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप मिसवाक यूज़ कीजिए अगर आपको उतना ब्रश करने का, या फिर आप इफ्तार के बाद या सोने से पहले ब्रश कर ले टूथपेस्ट से। वॉमिटिंग, इट डजंट ब्रेक द फास्ट, अगर वो वॉमिटिंग को आप फिर से वापस निगलते नहीं हो तो। किसिंग एंड हगिंग, इट डज़ नॉट ब्रेक द फास्ट एज लॉन्ग एज इट डजंट लीड टू अ सेक्सुअल अराउजल एंड देन आगे के स्टेप्स ना हो जाए तो इट डज़ नॉट ब्रेक द फास्ट। इट्स ओनली फॉर द पीपल आर मैरिड, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। कटिंग हेयर एंड ट्रिमिंग नेल्स, इट डज़ नॉट ब्रेक द फास्ट ऑफकोर्स। हैविंग अ शावर और बाथ, ऑफकोर्स इट डज़ नॉट ब्रेक द फास्ट बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर पाकीज़ा स्टफ्स। अप्लाइंग हेना, मेहंदी लगाना आपका रोज़ा नहीं तोड़ता। पानी में स्विम करना आपका रोज़ा नहीं तोड़ता, बट वाई विल एनी वन स्विम इन रमदान, यार आपको इबादतें करनी है या फिर आपको पानी में जाना है, बट स्टिल इट डज़ नॉट ब्रेक द फास्ट। बट इंश्योर करो कि आप पानी ना पियो, पहले तो आप जाओ मत स्विमिंग के लिए रमदान के महीने में, बट स्टिल इफ यू आर गोइंग देन या इंटेंशनली ईटिंग और ड्रिंकिंग जान मुझ के, तो फिर ऑब्वियसली अपना पूरा इस्लाम इट्स ऑल ऑन नीयत। आपकी नीयत जितनी साफ़ होती है आपको उस तरीके से चीज़ें मिलती हैं, आपकी नीयत के हिसाब से आपको सवाब मिलता है, नीयत के हिसाब से हर चीज़ होती है। सो इंटेंशनली नीयत, मतलब आपकी नीयत खाने की और आप खा रहे हो तो फिर ऑब्वियसली रोज़ा टूट जाता है आपका। कपिंग थेरेपी, जो हिजामा की बात करते हैं, हिजामा इट डज़ ब्रेक द फास्ट। हिजामा इज़ नथिंग अ प्रोसेस जहाँ आपको कप्स लगाते हैं और आपका इम्प्योर ब्लड बाहर आता है, तो वो आप उसकी वजह से आपका रोज़ा टूट जाता है। Taking injections, it does not break the fast. Nutritional injections, of course, मतलब न्यूट्रेंट्स के लिए आपको, जैसे खाने हम खाते हैं न्यूट्रेंट्स के लिए, प्रोटीन्स एंड स्टफ, तो अगर आप इंजेक्शंस खा रहे हो जिसमें न्यूट्रिएंट्स है और वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट होंगे तो फिर रोज़े रहने का फ़ायदा ही क्या है। यूजिंग कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप, दैट डज नॉट ब्रेक द फास्ट, बट आई डोंट थिंक अ पर्सन शुड यूज़ दैट, बट ठीक है आप एनी वे। आई ड्रॉप्स, इट डज नॉट ब्रेक द फास्ट। सो दैट्स इट गाइज, द लिस्ट वॉज स्मॉल। I hope now you guys know what breaks and what does not break the fast. So inshallah koshish kare ki aapka roza zyada se zyada qayam rahe. I'll pray that may Allah accept all our duas, our fasts and everything. Jazakallah khair, dua mein yaad.